नमस्कार, आज हम बात करेंगे नीच भंग राह योग के बारे में। वैदिक कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का हो जाए तो वह फल देने में सक्षम नहीं होता है, जिससे कि उस ग्रह से जुड़े फलों में कमी आ जाती है। लेकिन कोई ग्रह अगर नीच का हो जाए तो उसके साथ कुछ और भी नियम लग जाएं तो यह नीच के फलों में बदलाव आ सकता है, जिससे कि नीच ग्रहों की नीचता भंग हो जाती है और वह एक तरह का राहयोग का फल देने लगता है, जो अपनी दशा में ही फल देते हैं। लेकिन यह 6-8-12 में या मारक भाव से संबंध बनाए तो राहयोग का फल नहीं मिलेगा। इस योग के कारण जातक को जिंदगी की शुरुआत में या कार्य में शुरुआत में परेशानी होती है, क्योंकि ग्रह शुरुआत में नीच का फल देता है, वही नीच के भंग होने पर शुभ फलदायी बन जाता है, जिससे कि जातक उन्नति के पथ में अग्रसर भी हो जाता है और वह संपत्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। आइए ज्योतिष नियमों से जानें कि किस ग्रह के नीच का प्रभाव भंग होता है। जो ग्रह जिस राशि में नीच का है उसी राशि का स्वामी लगन या चंद्रमा से केंद्र में आ जाए तो नीच भंग राहयोग बन जाता है, यानी उस ग्रह की नीच होने का योग भंग हो जाता है। इस राहयोग में मनुष्य राशि जीवन जीता है। यह नीच भंग राहयोग प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में भी बना हुआ है। जिस राशि में ग्रह नीच का हो उसी राशि का स्वामी ग्रह नीच वाले ग्रह को देख रहा हो या उस राशि का स्वामी स्वग्रही होकर उसी नीच ग्रह से युति संबंध बना ले तो भी नीच भंग राहयोग बनता है। जिस राशि में ग्रह नीच का हो उस राशि का स्वामी अपनी ही उच्च राशि में चला जाए तो भी नीच भंग राहयोग बनता है। जिस नीच राशि में ग्रह है वह ग्रह उस राशि के स्वामी को देख रहा है तो दोनों ग्रह का नीच भंग हो जाता है। ये महान योग और बहुत बहुत महान योग कारक स्थिति है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच का है और उसी राशि में कोई ग्रह उच्च का हो जाए और उस राशि का स्वामी भी केंद्र में हो तो भी नीच भंग राहयोग बनता है। अगर कोई ग्रह नीच राशि में है उसी राशि का स्वामी ग्रह किसी भी भाव में उच्च का होकर चला जाए तो भी नीच भंग राहयोग बनता है। ऐसा जातक साम दाम दंड भेद से भी बहुत उन्नति करता है। यह राहयोग ज्यादातर क्रिमिनल्स की कुंडली में बनता है और वह बहुत सी संपत्तियों का मालिक भी बनता है। यहाँ एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि नीच भंग राहयोगों का फल सामान्य राज्य योगों से बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि ऐसे इंसान आमतौर पर मुंह में चांदी का चम्मच लेकर नहीं जन्म लेते, वरन अपने कर्मों से मेहनत से ही शुभ फलों का फल प्राप्त होता है। ऐसे जातक की किस्मत में संघर्ष बहुत होते हैं, किंतु यदि कुंडली में दो या दो से अधिक नीच भंग राहयोग बन जाते हैं तो वह अवश्य ही बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। उदाहरण में अमिताभ बच्चन की कुंडली में अष्टम भाव में कन्या में नीच का शुक्र के साथ बुध और मंगल और सूर्य भी हैं, यानी नीच के शुक्र की राशि में ही बुध ग्रह उच्च के होकर प्लेस्ड है, जिससे कि शुक्र की नीचता भंग हो गई है और यहाँ शुक्र का जो नीच भंग राहयोग वो राहयोग में बदल गया है, जिसके कारण अमिताभ बच्चन बहुत बड़े कलाकार हैं। इनकी वाणी स्थान को उच्च का गुरु भी देखता है, इसलिए इनकी वाणी भी बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली है। तो ये थी हमारी इस नीच भंग राहयोग पर छोटी सी रिसर्च। अगर आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और अपने बारे में जानने के लिए आप नीचे दिए ये नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हम अपनी नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए।